हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जॉन बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम दो बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, यानी फ्लैजेला जो बैक्टीरिया के साथ एक लंबा सा धागा बाल नुमा साख्त होती है उसकी बुनियाद के ऊपर बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का वो है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्रिस्टन ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि बैक्टीरिया को उनकी स्टेनिंग की वजह से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक को उसने कहा ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आज हम इन दोनों बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंस को भी स्टडी करेंगे। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात रिमाइंड करता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको महसूस हो सके। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू फाइव मेजर ग्रुप्स। फ्लैजेला की बुनियाद के ऊपर बैक्टीरिया को पांच बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन मोनोट्रैकस, मोनो का मतलब होता है वन, ट्रैकस का मतलब होता है फ्लैजेला। ऐसे बैक्टीरिया जिनके साथ सिर्फ वन फ्लैजेला होता है यानी एक ही फ्लैजेला होता है उन्हें हम मोनोट्रैकस कहते हैं। लोफोट्रैकस, लोफो का मतलब होता है गुच्छा या ट्रफ्ट। इस तरह से बहुत सारे फ्लैजेला एक जगह में जब जुड़े हों तो उसे हम लोफो कहेंगे। So those bacteria which have a tuft of flagella on one end of their body are known as lophotrochus. Amphitrachus, amphi का मतलब होता है दोनों साइड है, एक साइड दूसरी साइड, ये दोनों कोनों को amphi कहा जाता है। So those bacteria which have tuft of flagella on both end of the body are known as amphitrachus, यानी वो जिनके बॉडी के दोनों कोनों के ऊपर बैक्टीरिया का गुच्छा मौजूद हो। पेरिट्रैकस, पेरी का मतलब होता है ऑल अराउंड, चारों तरफ, यानी दोस बैक्टीरिया विच हैव फ्लैजेला ऑन होल बॉडी सरफेस, वो फ्लैजेला जिनकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर इस तरह से फ्लैजेला मौजूद होते हैं उन्हें हम पेरिट्रैकस कहते हैं। आखिर में है जनाब एट्रैकस, ए का मतलब किसी भी चीज के साथ जब ए लगाओ जुड़कर तो उसका मतलब होता है नहीं। तो ट्रैकस आपको पता है कि आपने कहा कि ट्राइकस जो है वो फ्लैजेला है, सो एट्रैकस मीन नो फ्लैजेला। दोस बैक्टीरिया व्हिच डोंट हैव एनी फ्लैजेला आर नोन एज एट्रैकस। और याद रखिएगा मोस्टली ये बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट भी नहीं कर सकते, ये ज्यादातर लोकोमोशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल से जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को कोकाई कहा जाता है यानी गोल बैक्टीरिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। मैंने कहा कि क्रिस्टन ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि बैक्टीरिया को स्टेन किया, कलर दिए और उन कलर की बुनियाद के ऊपर उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक का नाम ग्राम पॉजिटिव और दूसरे का नाम ग्राम नेगेटिव रखा। आइए देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या फर्क है। तो सबसे पहला फर्क है जनाब, दोस बैक्टीरिया विच स्टेन विद क्रिस्टल वायलेट डाई एंड रिटेन द कलर विद ट्रीटमेंट विद इथेनॉल और एसीटोन्स आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया के उनको अगर क्रिस्टल वायलेट कलर में डाला जाए तो वो उस कलर को कैच कर लेते हैं, वो उस कलर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये कलर इनके ऊपर इतना पक्का लग जाता है कि अगर इन्हें एसीटोन या एथेनॉल के साथ ट्रीट किया जाए यानी धोया जाए, उन्हें वॉश किया जाए तो फिर भी उनसे ये कलर नहीं जाता। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की खूबी है। जबकि ग्राम नेगेटिव इसके अपोजिट है, दोस बैक्टीरिया विच आर नॉट स्टेन विद वायलेट डाई, क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ जो स्टेन नहीं होते और अगर वक्ती तौर पर उनमें ये रंग लग भी जाए तो क्या होता है, एंड दे लूजेस द डाई ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल्स और एसीटोन्स आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और अगर किसी हालत में मैंने कहा कि इनके अंदर ये रंग आ भी जाए तो इन्हें जब एसीटोन या फिर एथेनॉल के साथ वॉश किया जाए तो ये कलर चला जाता है, इनके अंदर ये कलर नहीं रहता।
दे अपीयर डार्क ब्लू इन कलर, इनकी सेल वॉल थोड़ी थिक होती है और ये डार्क ब्लू कलर में अपीयर होते हैं। एंड दे अपीयर लाइट पिंक इन कलर, और ये लाइट पिंक होते हैं, इनके अंदर वो वायलेट कलर नहीं आता। देयर सेल वॉल इज वेरी सिंपल, इनकी सेल वॉल सिंपल होती है। एंड देयर सेल वॉल इज वेरी कॉम्प्लेक्स, जो ग्राम नेगेटिव है उनकी सेल वॉल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और पतली होती है, लेकिन अंदर से उसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। दे हैव नो कैप्सूल, इनके ऊपर चूंकि सेल वॉल काफी थिक होती है, कैप्सूल की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो कैप्सूल नहीं होता। बट द ग्राम नेगेटिव हैव कैप्सूल, इनके ऊपर कैप्सूल मौजूद होता है। दे कंटेन मोर पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिटिल लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होते हैं जबकि लाइपोपॉलीसेकेराइड कम होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होते हैं और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स कम होते हैं जबकि उनमें अपोजिट होता है। दे कंटेन लिटिल पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड मोर लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन कम है और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स ज्यादा पाए जाते हैं। नंबर सिक्स, दे आर मोर पेनिट्रेबल सेल वॉल, दे हैव मोर पेनिट्रेबल सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए वो ज्यादा इजीली इनको पेनिट्रेट करने में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुसने में मदद देती है। एंड दे हैव लेस पेनिट्रेबल सेल वॉल, इनकी सेल वॉल चूंकि पतली होती है तो वो इनको ज्यादा फोर्स ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकती रेजिस्टेंस, और ये इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकते, बल्कि एंजाइम जो लिविंग बॉडी में दूसरी लिविंग बॉडी में होते हैं होस्ट में, वो इन्हें मार सकते हैं। दे हैव लेस रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट एंटीबायोटिक, अच्छा इनमें सेल वॉल थिक है लेकिन एंटीबायोटिक के लिए इनमें लेस रेजिस्टेंस है क्योंकि इनमें कैप्सूल मिसिंग है। बट दे हैव मोर रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट एंटीबायोटिक, इनके ऊपर चूंकि कैप्सूल भी है और उसके बाद इनकी सेल वॉल भी अंदर है, तो ये एंटीबायोटिक वो चीजें होती हैं जो बैक्टीरिया को मार सकती हैं, लिहाजा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं। तो ये थे जनाब वो सात मेन फर्क जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने देखे। इसके साथ साथ आज हमने जो पहला लेक्चर देखा उसके अंदर हमने देखा कि जनाब बैक्टीरिया की फ्लैजेला के बेस के ऊपर ये पांच टाइप्स हैं, और आई होप के आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप वीडियो को इसी तरह पॉज करके जब मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आप एंड पर अपना लेक्चर पूरा लिख सकते हैं, ये आपका नोट बन जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।